ज्यादा कुछ ये पकड़िए में स्कूल को ताला जड़ा हुआ है जी सर। यहाँ 3 महीने से बच्चे आते हैं स्कूल में खेल कूद के चले जाते हैं, 3 महीने से कोई टीचर नहीं है और बच्चे की पढ़ाई बर्बाद होगी। जो गरीब बच्चे सब इस तरह परेशान हो रहे हैं, यहाँ सुबह भेजते हैं शाम को खेल के घर चले जाते हैं, 3 महीने से कोई भी टीचर नहीं है स्कूल में और स्कूल में सभी कमरे बंद पड़े हैं। एक कमरे में बच्चों को थोड़ा बहुत घेरते हैं, एक चौकीदार वगैरह वो भी वापस चले जाते हैं बेचारे। इसके लिए आप बुलाए थे, आए थे यहाँ अफसर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 टीचर आएंगे, फिर उन्होंने बोला भी एक कल आ जाएगा, चलो मगा एक आ जाएगा फिर और भी आ जाएंगे, वो भी नहीं आया यहाँ कोई। उन्होंने जवाब दे दिया यहाँ कोई टीचर नहीं आया यहाँ नहीं अंदर। ओ भाई हेलो आसिम, बैठा लो बच्चों, बैठा लो बच्चों, भेज दो बच्चों गर्मी हो रही। नहीं नहीं वापसी भेज जाना स्कूल में। हाँ स्कूल में भेज दो। वो तो करवा ली यही समस्या है स्कूल की। बच्चे आए और अब टीचर आए नहीं बिल्कुल, और 185 बच्चे हो रहा और दूसरा स्कूल ऊपरले पास में इसी गांव का इसी पंचायत का स्कूल है 100-250 वहाँ जी, और कोई मास्टर नहीं आए जी, और अफसर आए आश्वासन देकर चले गए। हरियाणा का जिला यमुनानगर का लास्ट गाँव है नगली बत्ती, ठीक है, और बहुत पिछड़ा एरिया जी, और हमारा मंडल बिलासपुर लगा जी बहुत दूर पड़ा, और सवारी का साधन नहीं, कोई बस नहीं, कुछ नहीं, भी बाहर भेज दें नीचा भेज दें, और ऐसे यहाँ की गांव की वानिया है भी जो प्राइवेट स्कूल में दाखिल करने कुछ नहीं, ये हाल हो रहा जी। बेटा क्या नाम है आपका? समीर। अच्छा क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर स्कूल में? मास्टर नहीं आया, 4 महीने हो गए। आप लोग कैसे पढ़ते हो फिर यहाँ पर? जी चौकीदार है जो स्कूल खोल दे, हम यहाँ आकर खेल कर भी घर चल जाते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? आसु। अच्छा तो क्या स्कूल में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? खेल रहे हैं जी। अच्छा तो टीचर नहीं है यहाँ पर? अच्छा तो आप लोग बिना टीचर के कैसे पढ़ रहे हो? नहीं इसमें अकेले इस स्कूल में नहीं, और भी विद्यालयों में दिक्कत आई हुई है, तो कुछ है टीचर हमारे पंचकुला से आए हैं 80, तो वो भी हमने जहाँ कमी थी टीचरों की वहाँ भेज के कुछ व्यवस्था की है। अभी कुछ है और भी हमें संभावना है कि पंचकुला में कुछ सरप्लस टीचर हैं, तो वो जैसे ही हमें मिलेंगे तो ये कमी हम पूरी दूर कर देंगे। देखो इस बात की जानकारी मैंने बीओ से बात करी है, तो बीओ को भी जानकारी नहीं है, और अपने यमुनानगर में जैसा कि आप सभी जानते हो अध्यापकों की कमी चल रही है। हमारे 2017 से जो अध्यापक कार्यरत थे तो उसमें 900 के आसपास टीचर अपने अपने जिलों में ट्रांसफ़र होकर चले गए, और उसके एवज में जो यमुनानगर में आए हैं उनकी संख्या 450 के आसपास थी,
तो इस प्रकार एकदम हमारे ऊपर ये बड़ी दिक्कत आई हुई है, काफ़ी अध्यापकों की कमी होगी। फिर भी हमने क्लस्टर लेवल पे जहाँ बच्चे कम हैं टीचर ज़्यादा हैं तो क्लस्टर लेवल पे बीओ के माध्यम से आंतरिक व्यवस्था करवाई हुई है। इसमें भी बीओ से बात करके जो भी नज़दीकी स्कूल होगा उससे टीचर की व्यवस्था हम करेंगे। सर बताया जा रहा है कि पिछले